श्रीकांत त्यागी के समर्थन में अपनी फेसबुक आईडी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और नोएडा सांसद महेश शर्मा को धमकी देने वाले लोनी के प्राइवेट अस्पताल के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोनी सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि सोमवार को सोशल मीडिया पर 4 से 5 वीडियो वायरल हुए। ये वीडियो लोनी के एक प्राइवेट अस्पताल संचालक राहुल त्यागी के हैं। वीडियो में राहुल त्यागी नोएडा के श्रीकांत त्यागी का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल त्यागी के हाथ में एक चाकू भी है। वह चाकू लेकर नोएडा सांसद महेश शर्मा और सीएम योगी को गाली दे रहा है। उसने वीडियो में दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी है। अब आपको गालीबाज युवक का पूरा वीडियो दिखाते हैं। आज थाना लोनी क्षेत्र के अंतर्गत दिन में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक राजनीतिक नेता है, उनको एक व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से अपशब्द बोल रहा था। उस संबंध में तत्काल जानकारी लगते ही थाना लोनी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। तो देखा आपने ये वीडियो? इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है और सुनाई दे रहा है कि कैसे नशा करने के बाद इस युवक ने सीएम योगी और सांसद महेश शर्मा को गंदी गंदी गालियां दी, उसके बाद उन्हें मारने की धमकी भी दी। आपको बता दें, कस्बा पुलिस चौकी प्रभारी ने मामले में क्षेत्र का माहौल खराब करने, आपत्तिजनक वीडियो डालने समेत अन्य आरोप में लोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीओ ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी राहुल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।